हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस नए ब्लॉग में आपका ढेर सारा वेलकम। सॉरी गाइस, मैं 2 दिन से शूट नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी कहीं गई और पापा रोज़ ड्यूटी चले जाते हैं और बहुत सारा काम था और इसलिए मैं बहुत बिजी हो गई थी। सो गाइस, चलिए आज करते हैं हम नए ब्लॉग की शुरुआत। गाइस, मैंने आज सुबह जल्दी उठ गई थी। मैंने सबसे पहले कपड़ों का काम निपटा लिया था क्योंकि आप सबको पता है आजकल दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं और धूप भी बहुत कम निकलती है। और मैं पहले कपड़े सुखाने डालती हूँ और उसके बाद बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। देखो, मैंने डाल दिए कपड़े सुखाने के लिए भी, और अब मनिंदर को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो चलिए गाइस, अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट। मैं आ गई हूँ किचन पे। हेलो गाइस, की बना लगे ब्रेकफास्ट? दाल तो बनी है तो मैंने सोचा कि आप पराठे बना देती हूँ। ठीक है, बना, पर बड़ी भूख लगी है। ठीक है, हमारी दाल पहले से ही बनी है और दाल के साथ तो पराठे अच्छे लगते हैं और इनको भी बहुत ज़्यादा पराठे पसंद हैं। आ जाओ, आपके लिए भी बना रही पराठे, आप भी खा लोगे। आपको पराठे भी पसंद है? पसंद है मेरे को बहुत ज़्यादा। अब देखिए, अब दूसरा पराठा जलता है या वधिया बनता की होता है, पता नहीं की होता है। जलेगा अभी या बन जाएगा सही? ये बहुत ज़्यादा जल जाए है? ये बहुत ज्यादा जल जाओ। जल जाओ ये हमारे पहाड़ी में कहते हैं, बहुत ज्यादा जल जाओ। ठीक है, जल जाओ तो नहीं हो रहा है पहाड़ी की हमें ज्यादा। आंटी नहीं आई है लगता? आज आंटी क्या कहते हैं, अभी बोल तो रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी मेरे साथ लग गए ना। चलो, तक आंटी की आ जाएगी, अपना ब्रेकफास्ट हो जाएगा, फिर जरा कमरा क्या कर लेगा। लो जी, आ गया, हो गया जी। लो जी, अपना ब्रेकफास्ट आ गया, हुण करने हैं जी ब्रेकफास्ट। ये दाल है, मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है अब, और अब मुझे घर के काम भी करने हैं। आज काफ़ी टाइम हो चुका है, आंटी भी नहीं आई घर पे अभी तक, तो और दिन आ जाती थी और आज आई नहीं है। और इंतज़ार कर लेती हूँ, तब तक क्या पता 10-15 मिनट और कर इंतज़ार कर लेती हूँ, तब तक आंटी आ जाएंगी। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और मैं खा लेती हूँ गजक, मेरे हस्बैंड लेके आए थे कल रात को। गजक खाते खाते मैं तब तक आंटी को भी बुला लेती, क्योंकि आंटी हमारे घर के पास भी रहती है ना। मैं अब आंटी को बुलाने जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। हमारे साइड के धान पक भी चुके हैं और किसी के तो धान कट भी चुके हैं। आजकल की धूप तो इतनी अच्छी होती है कि मन करता है बाहर पे बैठे रहे, धूप सेकने का बहुत ज्यादा मन करता है आजकल। देखो, ये हमारी साइड की रोड है हमारे घर की, और आंटी का घर भी अब आने वाला ही है। तभी मैं कह रही थी आज आंटी को इतना टाइम क्यों हो गया। मेरा दिल ना कर रहा, ना मैं को कर रही, मैं तभी ठीक ना दवाई ना। और मैंने मिल के सारा काम कर लिया, अब हम दिन का खाना बना रहे हैं। घर के लिए फ्राइड राइस, इनको बहुत पसंद है ना चावल। कैसा लगा आपको चावल? तो स्वाद बने ने, फिर अपना थोड़े थोड़े जो कच्चे रह गए थोड़ा जो और पका लेंगे ना, फिर पुती हो जाने। हाँ, अभी आ चुके हैं, अब मैं बना रही चाय पापा के लिए। गरम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊंगी चाय। मैं बना रही हूँ सेमिया, डिनर में मीठा बना रही कुछ सेमिया, और ये ड्राई फ्रूट्स है। और अब मैं
मैंने घी डाल दिया पहले इसमें, डालेंगे सेमियां। जैसे हलवा बनाते हैं जब ये ब्राउन हो जाएगी फिर इसमें डालूंगी पानी और फिर चीनी डालूंगी और फिर इसके बाद डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। ये सेमियां वैसे हमारी इसमें पंजाबियों ने घर पर बनाते हैं, मैदा लेके आता है मार्केट से फिर इसको बना के धूप में सुखाते हैं। ब्राउन हो चुकी है अब इसमें डालेंगे के साथ पे। मेरा डिनर हो गया रेडी और अब मैं पापा को देने जा रही हूँ ये सेमिया। बताना पापा कैसा है रहा है। वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी, स्मेल अच्छी है तो इनके लिए भी लेके आई मैं भी, मैंने सोचा पापा के साथ खा लेंगे, मम्मी तो है नहीं अभी। पहली बार बनाई सेमिया, हमेशा मम्मी ही बनाती है। बताओ जल्दी विनया रोटी ना दिखाओ, बोलो गरम देनी है ने मम्मी पार्टी में गई है। पापा बता रहे हैं मम्मी पार्टी में गई है बहुत बात और वहाँ खूब मजे कर रही है, अब दो तीन दिन के बाद आएगी। मैं भी अब डिनर करती हूँ सबके साथ, अब हम पापा के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। आज की ब्लॉग की एंडिंग में ही पे कर रही हूँ, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।